गुड इवनिंग, आइए देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड सम कैसे बनेगा। यहाँ पे साइन एक्स दिया है और नीचे एक्स माइनस ए दिया है, तो जो भी नीचे रहता है वही यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इसको हम कंपाउंड एंगल में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस ए और प्लस ए, इसको एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे कंपाउंड एंगल का, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पे डी एक्स। अब अलग अलग कर देंगे इसको, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए बाई साइन एक्स माइनस ए और डी एक्स। फिर इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए साइन ए बाई साइन एक्स माइनस ए और डी एक्स। सेम कट गया, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है। फिर इसमें साइन ए कांस्टेंट है क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन बाई डी एक्स। तो वन का हम लोग जानते हैं एक्स होता है, तो एक्स आगे लिखेंगे और ये पीछे लिख देंगे। फिर साइन ए लिख दिए, नीचे साइन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है कॉस है, तो साइन का डेरिवेटिव साइन का जो डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पे प्लस सी। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ से दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद इसको ये यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर नीचे कोई फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर में, तो लॉग नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर ये लिख देते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसको लॉग में लिख दिए और ये पॉजिटिव वैल्यू उतार देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।